उनको पीछे करो जरा उसके सर को कंगना मैम यहाँ पे उस तरफ उस तरफ उस तरफ कंगना मैम कंगना मैम सुहास वजन को नहीं अरे सुहास लाइट ऑन करो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव एंड कंगना जी एक फोटो यहां पे देखिए यहां पे एक यहां पे स्टेडियम मैम यहां पे कंगना जी गणेश का फोटो काटा थैंक यू फॉर ओ गणेश कंगना मैम एक छुरी एक छुरी गणेश जी सही आई हां एक मिनट ये ले लो ये ले लो आटा किया थोड़ा पेड़ पीछे कंगना मैम यहाँ पे सुहास वजन कंगना मैम इस तरफ भी दादा एक मिनट मैम वीडियो के लिए करो यार आलू कौन जा रहे थे कैमरा लुक अच्छा मैम एक फोटो लुक मिल अरे एक चूरी चूरी पकड़ के एक ओनली स्टील लुक देना कैमरे के टिश्यू पेपर एक आधा पैसा टिश्यू पेपर अभी एक ऑल फोटोग्राफर के साथ एक फोटो निकाली चलो फोटोग्राफर उधर जाओ सब उधर जाओ नहीं मैं निकाल दू तू बस का हाँ जाओ फोटोग्राफर ओनली फोटोग्राफर मैं कर रहा हूँ दो दो तीन लोग हैं
नहीं नहीं जाना भाई जाना पूरी जाने सुनिदा तू आज तू जा आज तू जा आज तू जा आज तू जा बोल रहा तू जा रहे अरे 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 चलो चलो बैठ बैठ आए ए लोकर फोटोग्राफर ए गणेश मैडम आप ही फोटोग्राफर हो एक्सक्यूज मी नहीं 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 प्लीज जा सत्य बस लोगों लोगों बस एक मिनट लोगों ला ले ला ले थैंक यू सत्य सोलो मार रहा है सत्य सोलो मार रहे हैं वो जाने अरे क्या दादी ये चलो चलो दादा का नाम अरे रुको 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 अरे 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 क्या बात है क्या बात है दो ओके अभी मेरा चलो ला दो एक मिनट आ जा अरे यार माइक लेके आओ थैंक यू Thank you. And you look as best as you have been always. Thank you. And the pink of health? I've got mild cold, but I'm good. Yes. Why did you run away when I tried to feed you the cake? he just ran away. No, no, no. ऐसे कुछ नहीं था. थोड़ा कैमरे में हो जाता ना. Okay. Controversy बन जाती. Oh, my day was wonderful. I was supposed to be in Manali. So, मेरी family वहाँ पे गई. We had planned, हम लोग usually we do puja on birthdays. So, हम लोगों ने वो plan किया था. पर मेरे producer जो हैं, Shailesh जी, Ekta जी, उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि मैं इनकी फिल्म का patchwork ख़त्म करूँ और फिल्म release होने वाली है बहुत जल्दी. Mental है क्या मेरी और राजकुमार की. सो उसके करके मैंने कुर्बानी दी. तो मेरी फैमिली वहाँ पे है, मैं यहाँ पे. उन्होंने तो मेरे ब्रदर आई सेड प्लीज़ कम क्योंकि आई एम ऑल अलोन हियर. सो ही केम डाउन बट वी आर हैविंग अ स्मॉल डिनर फॉर फ्रेंड्स नाउ. गिफ्ट्स भेजे हैं मुझे, काफ़ी गिफ्ट्स आए हैं. आई विल सी व्हाट इज़ देयर इन दोज पैकेट्स. बट फॉर मी आई थिंक बर्थडेज आर फॉर मी बर्थडेज आर जस्ट अनदर डे. मैं इतना कुछ स्पेशली लेती नहीं हूँ बर्थडेज को. लेकिन आप लोगों के लिए जैसे मैंने कहा मैंने स्पेशली केक बेक करवाया है, आप प्लीज़ ज़रूर खाइएगा. आज हमें एक खबर भी मिली आपकी एक नई फिल्म की. जी जी वो भी एक बड़ी ही अद्भुत बात है. आप फिल्म से जुड़ गई. जी मुझे हमेशा से ये था कि मुझे रीजनल फिल्म्स करने थे क्योंकि जब हम लोग तमिलनाडु जाते हैं या हम लोग आंध्र प्रदेश जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग मेनली सिर्फ उनका ही सिनेमा देखते हैं. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिसकनेक्ट विद दैट पार्ट ऑफ द कंट्री. तो मैं सोच रही थी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले कभी एंड दिस जस्ट केम माई वे. और मैं अपनी बायोपिक बनाने की सोच रही थी, उसी पे एक काम चल रहा था. बट इनकी स्टोरी जो है बहुत सिमिलर है और बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस स्टोरी है. मेरे से तो काफ़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी है. और जब उसका जब मैंने नरेशन सुना तो इट इज़ सो सिमिलर दैट इधर आई कुड डू दैट और डू दिस एट दिस पॉइंट. सो देन आई गेव गो हैड टू दैट. मेनली तमिल एंड देन इट विल बी रिलीज इन हिंदी एज वेल बट मोस्टली इन तमिल. यस I will, unless I fail miserably and they will have to dub. But I will definitely learn. So any dialogues? Well, for now I go to my ashram. My guru lives in Coimbatore and वहाँ पे तो मुझे सब अक्का कहते हैं. So that is one thing I've learned so far. We'll take the last question. Second last? Yes.
बहुत प्यारे लग रहे, बहुत प्यारे। थैंक यू। आपकी आंखों में चमक आती है ना, दैट ब्राइटनेस ऑफ द डे एंड द यूनिवर्स, यू नो। थैंक यू, मेरे बर्थडे पे आपने मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, थैंक यू। सवाल ही पूछो क्या। मैं आपको क्या बोल रहा था कि कंगना, हाँ, आप कुछ दिनों से कहीं गई भी थी, आप मतलब अपने आप को पूरा अलग कर लिया था, आप लोगों से दूर चली गई थी 10 दिन, कहाँ मतलब पूरी दुनिया फिल्म इंडस्ट्री में हाथ हो, विड्रॉल सिम्टम हो रहे थे लोगों के, कोई आया नहीं अभी तक ट्विटर व्टर पर कहीं से। Well, I'm glad to know that I was missed. I'm very happy that I was missed and my presence was missed. सबसे ज़्यादा I think जो मेरे साइलेंस पे जाने से मुझे लगता है आप ही लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया था। But yes, मुझे लगता है सब लोगों को अपने लिए ये वक्त निकालना चाहिए, एंड हम लोगों का जो कल्चर था, हम लोगों का ट्रेडिशन में स्पिरिचुअलिटी वॉज समथिंग दैट पीपल एक्टिवली परसूड। आजकल की जनरेशन को पता ही नहीं है, उनको लगता है यू नो दे हैव लाइफ कोचेस, दे हैव थेरेपीज, वो लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, इतना कुछ गोलियां खाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, बट दे डू नॉट नो हाउ टू वर्क ऑन देयर इनर वेल बीइंग। तो आई वुड लाइक टू इनकरेज पीपल, तभी मैं ये अब बता के जाती हूँ, पहले मैं बताती नहीं थी, लेकिन अब मुझे जब लोग इतना पूछते हैं कि हाउ डू यू फाइंड योर सेल्फ एंड आप इतना इवॉल्व होते हो, so then I think that I should be open about it, इसीलिए मैं बता के जाती हूँ। कोयम्बटूर, but there are a lot of ashrams like that, there are a lot of people who are pursuing you know inner well-being, yoga, some sort of programs where you connect with your inner self and you work on yourself and enhance yourself. जो भी आप हैं उसको enhance करिए, चाहे आपका stamina हो, चाहे आपका concentration हो, focus हो, your intellect, everything, you should enhance yourself. That's why these techniques. चार बार आप मतलब राष्ट्र पुरस्कार मिल चुका है आपको, आपकी फिल्म रिलीज हुई थी, इससे संभावना है आपको, क्योंकि देश की एक सबसे बड़ी रानी वीरांगना के ऊपर फिल्म बनी थी, लोगों को मोटिवेट किया इस फिल्म ने, काफ़ी अच्छा प्रभावशाली बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर रहा, लगता है आपको इससे संभावना की एक और आपके इजाफा होगा? देखिए क्या होता है ना कि कई बार एक इंसान अपने आप, एक चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो कोई फिल्म हो, चाहे वो कोई भी कला का कोई भी नमूना हो, कोई भी मॉडल हो, उसको देख के वो अपने आप में इतना इतना बेहतरीन होता है, चाहे मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, इट माइट नॉट साउंड वेरी ऑब्जेक्टिव, बट आई थिंक आई एम बीइंग वेरी ऑब्जेक्टिव, कि अगर आप उसका सम्मान ना करें तो वो खुद उस ऑर्गेनाइजेशन का अपमान होगा। तो अगर मेरे अवार्ड को या मुझे इस फिल्म को मणिकर्णिका को लेकर अगर राष्ट्र पुरस्कार ना मिले तो आई थिंक इट विल बी राष्ट्र पुरस्कार की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाएगी, क्योंकि आप इस तरह का काम करते हैं, तो सो इट शुड एंड द वर्क शुड बी लाइक दैट, बट अगैन लाइक आई सेड, अगर कोई और इससे भी बेहतरीन काम आता है, देन आई विल बी ऑब्जेक्टिव इनफ टू से कि नो, दिस इज बेटर देन मी, लेकिन आपको लगता है ऐसा हो सकता है? पिछले साल तो कुछ भी आया नहीं मेरे ख्याल, और आप तो जो करती हैं माशाल्लाह। नहीं, पिछले साल आई थिंक टब्बू जी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अंधाधुन में, आई एम फ्लोर्ड बाय व्हाट शी इज डन, सो ऐसा ही है, पर अब की साल में आई मीन आई विल बी, इट विल बी रेवलेशन अगर मणिकर्णिका से अच्छा परफॉर्मेंस होगा, आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट, पर मेरे मुझे तो नहीं लगता हो सकता है। नहीं नहीं, एक लास्ट कंगना, आप मिल नहीं पाओगे शायद, एक महीने तक आप बिजी हो जाओगी, इलेक्शन आ रहे हैं, लोगों को वोट, अरे उससे इलेक्शन के लिए नहीं, मतलब सिर्फ वोटिंग के लिए कैंप, लोग आके वोट करें, आपकी आवाज कितनी मतलब प्रभावशाली है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, बाकी सब वो सब नहीं पूछा कि आप ज्वाइन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। नहीं, आई थिंक वोटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं और हमेशा क्रिप करते रहते हैं, लेकिन कभी अपनी डिमांड्स नहीं बताते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं वो कोई थिंकर या ऑथर्स या आर्टिस्ट या वो नहीं है, दे आर द डूअर्स, बट वी नीड टू टेल देम व्हाट वी वांट, सो वी शुड हैव अ वॉइस ओपिनियन एंड वी शुड डेफिनेटली एक्टिवली वोट एंड गिव अ डायरेक्शन टू दिस कंट्री, बिकॉज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन आवर शोल्डर्स। थैंक यू गाइस। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, ma'am.
अंदरेश ले ले ऐसे ले सामने से एक साथ आ जाइए ना प्लीज एक मिनट अगला जी आप अगला जी यहां पे एक टाइप टू लेफ्ट था तो राइट साइड या राइट अगला जी यहां पे थैंक यू चलो चलो धन्यवाद आप लोग प्लीज चैनल पर